किया है और उसके अंदर ये लिखा हुआ है वी अचीव्ड इट, इंडिया अचीव्ड इट। जिन नेबर कंट्रीज के साथ हम मुकाबला करते नजर आए हैं, आज वो रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, आज वो पता नहीं कौन कौन से रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से मिशन लॉन्च कर रहे हैं और हम आज आगे की लाइन में लगे हैं। ऐसा चमत्कार हुआ, चमत्कार बोले इंडिया बोले, कि ऐसा इसरो की और डीआरडीओ की मेहनत का वो सफल परीक्षण हुआ जिसे देखकर घबरा गए पाकिस्तान और चाइना। इंडिया का इस पोजीशन में चाइना के मुकाबले में खड़ा हो जाना इटसेल्फ एंड चाइना इंडिया को इटसेल्फ ये रिकॉग्नाइज किया जाना कि वो ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है, दैट इज ए बिग माइलेज। उन्होंने री यूजेबल सप्लाई लॉन्चर्स जो है वो बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल थी कि एक साइड पे हमारे प्राइम मिनिस्टर आटे की लाइन में जो उनका लोगों को आटा दे रहे हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो उनका वो कोई रॉकेट के लॉन्च वगैरह था उनका, वो इसलिए आपने ये शायद देखा हो। देखा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, यानी कि जिस व्हीकल को हम दोबारा यूज कर सकते हो, उसे कर्नाटक के चित्रदुर्ग में टेस्ट किया गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि राशन की तकसीम के दौरान इतनी जानों का ज्या हुआ हो। इससे कबल मुल्क भर में भी आटे की तकसीम के दौरान अब तक 10 अफराद अपनी कीमती जाने गंवा चुके हैं। आमतौर पर होता यह था कि सेटेलाइट लॉन्चर सेटेलाइट को लॉन्च करने के बाद एक स्पेसिफिक हाइट पर जाकर बेकार हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वो सेटेलाइट लॉन्चर वापस जमीन पर आएगा, उसको दोबारा फ्यूल की जरूरत होगी और वो फिर से नए सेटेलाइट को लॉन्च कर देंगे। डीआरडीओ और वायुसेना ने मिलकर 2 अप्रैल की सुबह एक इतिहास रच दिया। इसरो ने ट्वीट कर कहा, भारत ने कर दिखाया। आरएलबी ने भारतीय वायुसेना के एक चिनूक हेलीकॉप्टर से एक अंडरग्राउंड लोड के रूप से सुबह 7:10 उड़ान भरी। 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने के बाद लैंडिंग मिशन में भी सफल रहा। इस मिशन का आयोजन एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक में किया गया। इस दौरान लैंडिंग युद्धाभ्यास किया गया और करीब 7:40 पर एटीआर एयरपोर्ट पर एक बेहतरीन लैंडिंग पूरी की गई। स्पेस री एंट्री व्हीकल की लैंडिंग ठीक उसी हाई स्पीड से की जाती है जिसे वाहन अंतरिक्ष से आता है। लैंडिंग मिशन के दौरान आरएलवी एलईएक्स को भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से लाया गया। इसे 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया गया। अब पाकिस्तान मीडिया भारत में इसरो और डीआरडीओ के इस महान कीर्तिमान से सख्ती में है। कल एक ऐसा चमत्कार हुआ, जो चमत्कार बोले या बोले, कि ऐसा इसरो की और डीआरडीओ की मेहनत का वो सफल परीक्षण हुआ जिसे देखकर घबरा गए पाकिस्तान और चाइना। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, यानी कि जिस व्हीकल को हम दोबारा यूज कर सकते हैं, उसे कर्नाटक के चित्रदुर्ग में टेस्ट किया गया। लॉन्च व्हीकल वापस आया, चिनूक से फायर किया गया था। ये लॉन्च व्हीकल वापस आया और इसने अपनी पावरिंग अपनी अपनी जो कैपेसिटी है वो डेमोन्स्ट्रेट की। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर डी के पांडे हैं। ये ऑफिसर रह चुके हैं इंडियन एयरफोर्स में और अब ये भारत माता की सेवा में। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहली चीज सर, ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होता क्या है और ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए? डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। और जहां तक है बात ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की, तो ये उस तरह से ही है कि मुझे मार्केट जाना था और मैंने अपनी गाड़ी उठाई, मैं चला गया और वापस आ गया और फिर मुझे दोबारा अपने मित्र से मिल लेना था, फिर मैंने गाड़ी उठाई और चल के आ गया। और फिर मैंने मुझे बेगम ने कहा कि आप जो है बाजार जाके कुछ ले आइए, मैंने फिर गाड़ी उठाई और चला गया। तो वो एक ही गाड़ी का प्रयोग बार बार हो रहा था। अगर सोचिए मेरे पास वो गाड़ी नहीं होती और मैं एक गाड़ी मंगाता और हायर करता या खरीदता, बहुत ही शक्ति हो जाएगी खरीदने वाले उदाहरण पर, तो मैं तो समय कितना मेरा जाया होता और कितना ज्यादा पूंजी मुझे लगानी पड़ती। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो स्पेस में स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि स्पेस डेवलपमेंट में लगे हुए मुल्क हैं, उन्होंने इसके बारे में काफी सोच विचार किया। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या पैसा ही सब कुछ कारण है या कुछ और भी फैक्टर थे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना। इसके पहले कि हम इसरो ने क्या किया और वो क्या था, क्योंकि पूरे विश्व में अनूठा किया इसरो ने, इस पर हम सभी को गर्व है। आपने सुना होगा कि नासा ने बहुत पहले 1968 में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का जो है उन्होंने शुरुआत की और इसका नाम हम सभी जानते हैं, स्पेस शटल के नाम से इसको जो है लॉन्च किया गया। और स्पेस शटल ने बहुत ही कामयाबी हासिल की, 150 फुट लंबे सॉलिड फ्यूल बूस्टर के साथ इसको जब लॉन्च किया गया तो सभी जो है प्रभावित हो गए, क्योंकि एक अनूठा प्रयोग था और किसी ने इस बात की कल्पना नहीं की थी कि उतना घर्षण, इससे जो गर्मी होती है उसको संभालना, हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता।
तो ऐसा नहीं कि केवल नासा ही लगा था, अमेरिका के साथ रूस, चाइना और अन्य सभी देश थे जिनका हम चर्चा है आगे करेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जब इतनी खुशी हुई हमको, तो फिर हमने इस प्रोजेक्ट को अमेरिका ने बहुत सालों बाद 2011 में इसको प्रोजेक्ट को उन्होंने बंद कर दिया। कारण क्या था, 40 साल के अंदर 135 लॉन्चेस की स्पेस शटल ने, और इसमें से 14 एस्ट्रोनॉट जो है वो उन्होंने अपनी जान जो है वो गंवाई। इस लॉन्चेस में जो थी 135 लॉन्चेस जो थी जिनके साथ दुर्घटना हुई या उनको कैंसिल करना पड़ा विशेष कारणों से, तो 1968 का जो बहुत नामी एक्सीडेंट था जानते हैं, सॉरी 1986 का चैलेंजर का, और 2003 में कोलंबिया का जो एक्सीडेंट में वो संपदा है, और 14 एस्ट्रोनॉट ने अपनी जान। टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जिन नेबर कंट्रीज के साथ हम मुकाबला करते नजर आए हैं, आज वो रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, आज वो पता नहीं कौन कौन से रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से मिशन लॉन्च कर रहे हैं, और हम आज आटे की लाइन में लगे हैं। आज हमारी यूथ पॉलिटिक्स में इतनी इन्वॉल्व, मतलब उस वे में हो चुकी है जिस वे में शायद नहीं होना चाहिए, मेरा सवाल ये है। ठीक है, फिर अगर आप यही बात कर रहे हैं तो फिर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा, सकूत ढाका पे 1971 पे, जहाँ पे आप वहाँ पे नस्लें तब्दील करने गए थे। ठीक है, जहाँ जिनको आप कह रहे थे कि ये लोग तो एक टके के नहीं है, दो टके के नहीं है, वो टक्का एक टक्का आपके 3 रुपए के बराबर है। और टेक्नोलॉजी में वहां पे बुलेट, आपने टेक्नोलॉजी की बात की ना, वहां पे 3-3 बुलेट ट्रेन चल रही है ढाका में, आज या कल रात को तीसरी बुलेट ट्रेन का आगाज हो चुका है। आपने ये कहा ना कि आटे के लाइनों में, और यहाँ पे भगदड़ मच के 15 लोग शहीद हो चुके हैं, तो आप किस चीज की बात कर रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं? अगर आप बात कर रहे हैं कि वसाइल की बात कर रहे हैं, अगर आप बात कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज की बात करें कि यूथ बाहर क्यों जा रही है, यूथ को यहाँ ये कंसर्न है ना मेरा कि क्यों ब्रेन ड्रेन हो रहा है, अगर आपको लगता है कि पॉलिटिक्स ही होनी चाहिए फिर वो क्यों पढ़े लिखे?